नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है डीजल पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लेकर के। ये अहम बैठक है शाम को 5:30 बजे, यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद सीएम आवास पर वो क्षण करीब है जब आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। डीजल पेट्रोल की कीमतों पर होगी विस्तार से चर्चा, और हो सकता है जिस खबर का आपको इस दिवाली इंतजार हो वो खबर आपके पाले में आ जाए। जी हाँ, डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी आ सकती है। वो कमी कैसे आएगी, क्योंकि हर राज्य अपने अपने हिसाब से वैट लगाता है किसी भी कमोडिटी पर, और वही वैट पेट्रोल और डीजल पर भी लगता है। और सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, वैट में कटौती कर सकती है। कितनी कटौती होगी, कितनी आपको राहत मिलेगी, यह 5:30 बजे के बाद पता चलने वाला है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनूप जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल इस समय सूबे का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। न सिर्फ सूबे का बल्कि देश का भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नीति आयोग की बैठक हुई थी, सभी की टकटकी इसी बात पर थी कि क्या इसको जीएसटी के अंदर लाया जाएगा क्या। लेकिन सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री थे, ज्यादातर 5 राज्यों से ज्यादा के वित्त मंत्री जो थे, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि क्या इसका जो वैट है वो कम किया जाए क्या। देखिए पूजा, करीब 1 घंटे बाद 5 कालिदास मार्ग पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। ऐसे में डीजल पेट्रोल लगातार दाम बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं इसका बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, वो पूरी टैक्सों की बात करें तो करीब केंद्र सरकार 1900 रुपए पर लीटर पर टैक्स लेता है। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार 30 रुपए बैट राज्य सरकार का 1 रुपया अतिरिक्त शुल्क लेता है, और 6.5 रुपए जो वितरक होते हैं उनका लगता है। यानी पूरा अगर बात करें सीमा शुल्क को लगाकर 41.55 रुपए राज्य सरकार का टैक्स पेट्रोल पर लगता है 1 लीटर पर। तो वैसे में कहीं ना कहीं आम आने वाला 2022 का चुनाव है, लगातार महंगाई पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष हमलावर है महंगाई को लेकर। सरकार सोचती है, शायद मुझे लगता है उसका अंदाजा भी हो चुका है कि आने वाले सरकार में अगर डीजल पेट्रोल के दाम पर अगर कमी नहीं आती है तो लगातार महंगाई बढ़ेगी, जिसका खमियाजा 2022 में भी उठाना पड़ सकता है। एक महत्वपूर्ण बैठक है, अगर इस बैठक में कुछ राहत मिलेगी तो आम जनता के लिए दीपावली का बोनस माना जा रहा है पूजा। लेकिन अब 5:30 बजे के बाद निर्धारित होगा कि बैठ में कितनी उत्तर प्रदेश सरकार कटौती कर रही है, जनता को कितनी राहत मिल रही है पूजा। ठीक है अनूप, मैं ये भी समझना चाहूंगी और तमाम दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस बैठक में कौन कौन से अधिकारी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि बेहद खास है। अधिकारियों के ओपिनियन पर भी डिपेंड करेगा कि राजस्व का घाटा कितना आएगा, अगर वैट की कटौती करते हैं कितनी कमी दर्ज की जाएगी, ये तमाम मसले भी रखे जाएंगे इस मीटिंग के दौरान। देखिए पूजा, ये महत्वपूर्ण बैठक, ऐसे में वित्त विभाग के सभी अधिकारी वहां पर बैठक में बुलाए गए हैं और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी वहां पर मौजूद रहेंगे और मंत्री हैं वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि सरकार को किसी देखना भी पड़ेगा क्योंकि राजस्व का ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसे पोजीशन में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने सभी कोरोना काल में खर्चे उठाए हैं, वैक्सीन लगातार लग रही है, तो ऐसे में दोनों तरफ देखते हुए, जनता का भी पक्ष रखते हुए और सरकार कहीं ना कहीं नुकसान में ना पहुंचने पावे, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो ऐसे में अब फिलहाल देखने वाली बात पूजा ये होगी कि 5:30 बजे के बाद जब बैठक के बाद परिणाम आएंगे कि जनता को इस जो बैठक में कितना बोनस मिला है दीपावली का, फिलहाल ये बैठक के बाद पता लगेगा पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह 11 बजे के करीब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करी। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आज सरकार ने गरीबों को फ्री गैस कनेक्शन दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मिला है। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पहले रसोई गैस के लिए लोगों को लाठी खानी पड़ती थी, आज फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहले बिजली नहीं आती थी,
तब आपका स्वर्णकार भाई जब कोई कार्य करता था उस समय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जाकर के प्रताड़ित करते थे, तमाम प्रकार से बंदिशें डालते थे, लेकिन आज बिजली की भरपूर आपूर्ति करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन बाकी कोई बंदिश नहीं। और मान करिए अगर ये स्थिति सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार के समय होता क्या होता, अराजकता फैलती, महाराष्ट्र की तरह लंबी श्रृंखला मरने वालों की होती, अव्यवस्था फैल जाती, अराजकता का वातावरण होता। और इस वातावरण में सरकारें किस रूप में मौन रहती थी, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। देश की स्थिति क्या थी, कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी, ये सभी आइसोलेशन में थे, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग फिर से। वहीं दूसरी तरफ T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद सख्त रवैया अख्तियार किया। इस पूरे मामले में 7 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया, इसके साथ ही 1 को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के मैच के दौरान देश के विरोध में काम करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इंटरनेट मीडिया पर भारत के खिलाफ कई आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्षेत्र आजमगढ़ में आज मेधावी छात्र छात्राओं में लैपटॉप, अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा सरकार ने नई पीढ़ियों को लैपटॉप दिए और उससे उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। साथ ही अखिलेश जेपी पर निशाना लगाया था। अखिलेश ने कहा, आज मुझे पता चला कि टैबलेट आ रहा है। मुख्यमंत्री जी को पहले बताना चाहिए था कि 4.5 साल इन बच्चों को कौन सी टैबलेट देते रहे। समय समाजवादी सरकार में लैपटॉप बांटे जा रहे थे, उसमें हो सकता है इसी तरीके से सोचते हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि जिस भी नई आदमी मैंने लैपटॉप दिया था वो न जाने कितना खुश किया था। और मैंने यही कहा, ये लैपटॉप हम देंगे आपको, न केवल ये जानकारी हासिल कर देगा आपको, पढ़ाई लैपटॉप दिया था वो न जाने कितना खुश हो गया था। और मैंने यही कहा, ये लैपटॉप हम दे रहे हैं आपको, न केवल ये जानकारी हासिल कर देगा आपको, पढ़ाई में मदद करेगा, और अगर कोई बड़ा सपना देखोगे तो उस सपने को पूरा करने के लिए ये लैपटॉप आपकी मदद करने का काम करेगा। इसलिए ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित है कि कौन आ रहा है, ये जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी बहुत सोच विचार में पड़ गए हैं कि कौन आ रहा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है, और वो 24 करोड़ लोगों ने यह तय किया है कि जिनसे आपने झूठा वादा किया था वो झूठे वादे को हटाने वाले लोग एक बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीतियों और तैयारियों में मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को यानी कि कल राजधानी पहुंच रहे हैं। शाह का ये दौरा बेहद खास है। गृह मंत्री इस दौरान बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान को धार देने का काम करेंगे, शुरुआत करेंगे, साथ ही पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति तय होगी। शाह ने साफ संकेत दिए हैं कि पुराने फॉर्मूले के तहत नॉन परफॉर्मर विधायकों के पत्ते कटने तय हैं। जिनका संगठन से तालमेल नहीं और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं, उनकी सूची तैयार हो रही है। बताया ये भी जा रहा है
कि भाजपा संगठन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार 312 वर्तमान विधायकों में से एक तिहाई यानी कि 100 से ज्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काट सकता है। तो बेहद बड़ी खबर है ये, शाह का दौरा है और ये दौरा क्यों खास है ये बात समझ लीजिए। एक तिहाई विधायकों के टिकट कट सकते हैं वो जिन्होंने काम नहीं किया, जनता से जिनका रिश्ता इस दौरान बिल्डअप नहीं हो पाया, अपने क्षेत्र में वो पसंद नहीं किए जा रहे हैं या फिर उनकी संगठन के साथ अच्छी बन नहीं पाई है, यानी कि व्यवहार भी काम आएगा, काम भी काम आएगा और वोट कितना कौन दिला सकता है, कितना दमदार व्यक्तित्व है ये भी देखा जाएगा। साथ में मेगा सदस्यता अभियान का जिक्र बार बार हो रहा है, क्यों हो रहा है वो बात समझिए। इंडिया की इस समय लार्जेस्ट पार्टी में से एक है बीजेपी, 2.5 करोड़ कार्यकर्ता है बीजेपी के पास में, टारगेट है 50 लाख और बिल्डअप किए जाए ताकि यूपी के अंदर जब इलेक्शन हो तो मदद मिले। वहीं दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद महिलाएं पंजाब के मानसा जिले स्थित अपने गांव लौट रही थी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में 2 किसानों की मौत की खबर का हवाला देते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। लिखा है कि किसान मेहनत करके फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं मिलेगा, किसान फसल उगाने की तैयारी करे तो खाद नहीं मिलेगी। खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के 2 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इनकी नीयत और नीति दोनों में किसान का विरोध है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देवभूमि की होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान श्री बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करी, जहां सीएम ने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करी है। साथ ही आपको बता दें बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से सीएम धामी ने बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी हासिल करी। मुख्यमंत्री ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान काम कर रहा है, इसके लिए 250 करोड़ की धनराशि भी प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण करते हुए प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। के बारे में जब से लोगों की 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 मैं सभी लोगों की बात सुनने के लिए हमने हमारे वरिष्ठ नेता है मोहन लाल धानी उनके नेतृत्व में हमने एक कमेटी बनाई है और चारों धामों से हमने 2 लोगों को उसमें प्रतिनिधि के रूप में रखा है। वो कमेटी अपना काम कर रही है, कमेटी की अभी एक रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट आ गई है और अब अंतिम रिपोर्ट उनकी आएगी। उसके बाद जैसे अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी हम उसका परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के बाद उसमें कैबिनेट में भी हम उस पर चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद उसमें जो भी अच्छा रास्ता हो तो सबकी राय होगी। प्रदेश में चल रहे सियासी दल बदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। सत्ता पक्ष का क्या कहना है वो जाना जरूरी होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोई इधर आ रहे हैं तो कोई उधर जा रहा है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विजय बहुगुणा के उत्तराखंड दौरे को, सीएम से मुलाकात को सीएम धामी ने एक सामान्य मुलाकात बताया। दरअसल उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के कुछ बागी बीजेपी को भी डाटा कहने की फिराक में है। डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने विजय बहुगुणा को उत्तराखंड भेजा और विजय बहुगुणा ने भी उनसे बातचीत की। बीजेपी ने भी अपना सख्त रुख अपना लिया है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। बड़ा परिवार है, चलता रहता है। देखिए आप, हमने कभी इस बात का कोई वो नहीं करा। तीन लोगों ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, 3 विधायकों ने, और अगर कोई इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत कांबोज हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा ये इतना बड़ा विषय नहीं है, जबकि हरीश रावत तो कहते हैं कि महापापी हैं और इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और बीजेपी कहती है इतना कोई बड़ा विषय नहीं है। दोनों पार्टियों में मेरे ख्याल में इसी बात का अंतर है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा कि दोनों ही दलों में इसी बात का अंतर है कि कौन किस बात को किस तरह से लेता है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस तरह का एक बड़ा बयान देना कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है कोई बड़ा विषय नहीं है, वो ऐसे समय पे आया है जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को राजधानी देहरादून भेजा है तमाम उन विधायकों से मुलाकात करने के लिए। दो जो
जो लोग 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, पर अब इस तरह की अटकलें हैं कि उसमें से कुछ लोग भाजपा को भी जल्द टाटा बाय बाय कर सकते हैं, तो ऐसे में भाजपा के ऊपर भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने लोगों को साथ जोड़कर रखे, चाहे फिर वो कांग्रेस छोड़कर आए हुए लोग हों या फिर वो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हो। ऐसे में अब मुख्यमंत्री का बयान आना कि कोई ये बड़ा इश्यू नहीं है, जरूरी ही इसके कुछ अन्य निहितार्थ भी निकाले जाएंगे। हालांकि जिस तरह से विजय बहुगुणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बीते रोज मुलाकात हुई है उसमें कई पहलुओं पर बातचीत हुई है। लेकिन अजीत, हमें यहाँ पर टाइमिंग को समझना पड़ेगा। देखिये, हरक सिंह रावत की बातचीत होती है हरीश रावत से, फिर उसके बाद वो बातचीत दो बार लगातार होती है, हरीश रावत के पॉजिटिव बयान आते हैं, हरक सिंह रावत के पॉजिटिव बयान आते हैं, फिर विजय बहुगुणा की मीटिंग होती है और बयान विपरीत हो जाते हैं। यानी कि ये माना जाए कि क्या वो डैमेज कंट्रोल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो चुका है या उसका चरण स्टार्ट हो गया है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अगर बात पर ध्यान दिया जाए तो कल उन्होंने एक बात बड़ी प्रमुखता से कही थी, 15 दिन के भीतर कांग्रेस के भीतर काफी बड़ी उथल पहतल होनी है। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है जो काम विजय बहुगुणा 2016 में पूरा नहीं कर पाए थे, संभवतः आने वाले 15 दिनों में वो इस बात को लेकर भी आश्वस्त हो कि वो कड़ी अब जुड़ने वाली है। 2016 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था या बड़ा दल बदल यहाँ पर उत्तराखंड में हुआ था तो उसमें कई कांग्रेस के विधायक ऐसे थे जिनके नामों की अटकलें थी कि जो इन लोगों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन समय बढ़ते बढ़ते कुछ ही गिनती के 9 से 10 लोग ही ऐसे थे, हरक सिंह रावत या उमेश शर्मा का चैंपियन की बात की जाए, जो लोग भाजपा में शामिल हुए थे। अब अटकल इस बात की और बढ़ने लगी है कि क्या वो लोग जो 2016 में शामिल नहीं हो पाए थे भाजपा में वो अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रमुखता के साथ विजय बहुगुणा ने ये बात उठाई है कि 15 दिनों के अंदर बड़ी उथल पथल होगी और वो खुद राजधानी देहरादून में ही बीते दिनों से प्रवास किए हुए हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़ी उठापटक दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा के बाद अब आपदा की जो सहायता राशि आती है उस पर भी सियासत गरमा गई है और ये लाजमी भी है। दरअसल कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार को प्रभावितों के खाते में सहायता राशि देने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। आज से समय अवधि समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने सांकेतिक उपवास भी शुरू कर दिया। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस मुख्यालय से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विशाल जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को बैरिकेटिंग की मदद से सचिवालय से पहले ही रोक दिया। इसे नाराज होकर कांग्रेसी सचिवालय से पहले ही सांकेतिक उपवास पर बैठ गए। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको नजर आएंगे गणेश गोंदियाल भी हैं, हरीश रावत भी मौजूद हैं, तमाम जो दिग्गज हैं मौजूद हैं। सरकार को हमने भरपूर मौका दिया कि सरकार आपदा के स्थितियों से निपटने के लिए और हमारे जो भाई इससे प्रभावित हुए हैं, जो परिवार हमारे प्रभावित हुए हैं, उनको उचित मुआवजा दे। लेकिन सरकार है कि सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ नियमों का, कानूनों का हवाला देकर अपने जो फर्ज उनके होने चाहिए उस फर्ज की इतिश्री कर रही है और पल्ला झाड़ रही है। जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं उसमें आपदा के बाद जो राहत लोगों मिलनी है और जो काम होने हैं अभी तक उनकी शुरुआत नहीं हुई, बल्कि दो शव तो सुनैना गांव में अभी तक नहीं निकाले जा सके, जिससे हमारे आपदा प्रबंधन की पोल खुल रही है। सरकार की लापरवाही स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आने के प्रबंधन में लगी हुई है सरकार और आपदा पीड़ितों के प्रबंधन को उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तो वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का होगा, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।